मोदी मोदी मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी मोदी अटी पड़ गई। एक बार तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके चहेते लाडले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस धोरा की धरती पे स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। स्वागत की इस कड़ी में मैं हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री बजनलाल जी शर्मा से निवेदन करूंगी कि वे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। इसी बीच साथियों, तालियां बजती रहनी चाहिए। आपकी तालियों की गूंज पूरे मैदान में बिखरनी चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। इसी क्रम में मैं हमारे बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री कैलाश चौधरी जी से निवेदन करूंगी कि वे दुपट्टा पहनाकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आप सभी की तालियां इस सभा में गूंजती रहनी चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब हमारी मातृशक्ति से मैं निवेदन करूंगी कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मातृशक्ति, उद्बोधन की इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगी हमारे राजस्थान के भागीरथ, राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब श्री भजनलाल जी शर्मा जी, वे पधारे और इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। श्री भजनलाल जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस बाड़मेर की सभा में सबसे पहले मैं हमारी तनोट राय माता जी को प्रणाम करता हूं, भादरिया राय माता को प्रणाम करता हूं, देगरा माता को प्रणाम करता हूं, काले डूंगर राय माता को प्रणाम करता हूं और भगवान विष्णु जी के चरणों में शीश नवाता हूं। और मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे दुनिया के सबसे बड़े नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें।
मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानी अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और इस लोकसभा के प्रत्याशी भाई कैलाश चौधरी जी, हमारे कैबिनेट में मंत्री भाई जोगाराम जी, कुमावत साहब, के बिश्नोई साहब, हमीर सिंह जी भायल हमारे विधायक सिवाना, आदू राम जी विधायक चौटन, डॉक्टर प्रियंका चौधरी विधायक बाड़मेर, अरुण चौधरी जी विधायक पचमदरा, छोटू सिंह जी भाटी विधायक जैसलमेर एवं हमारे जिलाध्यक्ष जैसलमेर और बाड़मेर बालोत्रा, हमारे मदन जी राठौर, हमारे राज्यसभा के सांसद शंकर सिंह जी राजपुरोहित साहब, मैं बाड़मेर जैसलमेर के गांव गांव ढाणी ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई माता बहनों, आप सभी को मैं नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस राजस्थान की धरा पर पूरे प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में देश के बहुआयामी विकास हो रहा है। विज्ञान हो या स्वास्थ्य हो या फिर आधारभूत ढांचा हो, विकास हर क्षेत्र में भारत ने अतुलनीय विकास इन 10 सालों में किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में अस्पताल सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं को विकास का ऐतिहासिक कार्य किया है। पिछले 10 सालों में 15 नए एम्स खोले गए, जबकि 2014 से पहले सिर्फ 7 एम्स देश के अंदर थे। पिछले 10 सालों में देश में 319 नए सरकारी मेडिकल खोले गए, ये पूरे देश के अंदर रिकॉर्ड है कि 10 साल के अंदर 319 मेडिकल कॉलेज खोले गए। पिछले 9 वर्षों में राजस्थान में भारत सरकार की ओर से 23 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, 23 मेडिकल पूरे राजस्थान के अंदर। वो 2014 से 2023 तक एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,000 से बढ़ाकर 70,000 डॉक्टरों की संख्या बढ़ाकर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। देश भर में 10,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को आमजन की सस्ती दवाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खोला है, क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र है। मैं रक्षा के क्षेत्र में हमारा आत्मनिर्भर होता हुआ भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। और ये नहीं, रक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस विक्रांत हो या अर्जुन टैंक हो, तेजस एयरक्राफ्ट हो या पिनाका रॉकेट हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल, इन सब का उत्पादन भारत के अंदर होता है। इससे 2014 से पहले भारत के अंदर एक भी निर्माण इस तरह का नहीं होता था। मैं निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा काम रक्षा के क्षेत्र में हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी के फैसलों से वैश्विक महामारी के बावजूद हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, 2024 में 2.6% की अनुमानित विकास दर के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यूपीआई से विश्व के 40% डिजिटल लेनदेन अब भारत में हो रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल निर्यात 776 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पद पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 25.5 लाख करोड़ के 43 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। दुनिया भर में हर 10 में से एक यूनिकॉर्न भारत में है। आधारभूत ढांचे की अगर हम बात करें तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आधारभूत ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है। देश की आखिरी छोर से तक सड़क, रेल एवं बिजली पहुंच रही है। और आपने भी देखा है मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भारतमाला की जो हमारी
योजनाएं जब उस पर चलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, जिस तरह से भारतमाला या उस पर प्लेन भी उतरता है, ये बाड़मेर, सांचौर और जैसलमेर और बीकानेर होते हुए आपने जिस तरह से देखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, रेलवे के क्षेत्र में जितना बड़ा विकास हुआ है, यही नहीं मित्रों, मैं आपको एक और मैं बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश, हमारे जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री हर वर्ग की समस्याओं के निदान को तत्पर रहते हुए, इसलिए देश के शिल्पकार, कारीगर, ओबीसी जातियों को संबल प्रदान करने के लिए पहली बार पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान की भी ओबीसी जातियों के कारीगर और शिल्पकारों को कौशल विकास प्रशिक्षण और वित्तीय लोन की सुविधा प्राप्त होगी। इसमें हमारी वो जातियां जो अपने खुल के शिल्पकार के माध्यम से काम करती थी, चाहे हमारे सुतार भाई हों, सुनार भाई हों, लोहार भाई हों, कुमार भाई हों, नाई, धोबी, माली, छीपा, दर्जी, इन सभी के लिए ऐसी अनेक जातियों के कारीगरों को कुशल उन्नयन के लिए ये योजना बनाई गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात 15,000 रुपए उन्नत किस्म के औजार खरीदने के लिए इसमें दिलवाए जाते हैं। और यही नहीं, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पहले 1 लाख और उसके पश्चात 2 लाख यानी कि कुल 3 लाख रुपए वित्तीय लोन अल्प ब्याज पर कारीगर प्राप्त करके लाभ ले सकते हैं। यही नहीं मित्रों, हमारा जिस तरह से, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा जिस तरह से राजस्थान के अंदर हमारे लघु उद्योग हैं, उन लघु उद्योगों को बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को आए हुए लगभग 4 महीने हुए हैं, हमको 90 दिन का काम मिला था क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे वो हमारी कोई भी योजना हो, हमने उन योजनाओं को जो हमारे संकल्प पत्र में लिया था, हमने 40 से 45% तक 90 दिन में हमारी उन योजनाओं को पूरा करने का काम किया है। मैं निश्चित रूप से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान की वह समस्या जो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, पानी की समस्या, उस पानी की समस्या को पूरे राजस्थान के अंदर अगर सरल करने का काम किया है। हमारा या मध्य प्रदेश हो, या हमारा हरियाणा हो, या हमारे यहाँ की योजनाएं हो, उन सभी योजनाओं को बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की इस प्यासी धरती को पूरे उत्तर से लेकर पश्चिम से लेकर पूरब से लेकर के दक्षिण तक पूरा काम पानी की योजनाओं को बनाने के लिए किया है। मैं आपकी तरफ से, राजस्थान की सरकार की तरफ से, राजस्थान के जन जन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारा जो विकास है, हमारी जो मोदी जी की गारंटी है, और गारंटी ये नहीं, पूरा होने की गारंटी, जब ही तो कहते हैं सपने नहीं, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, और तभी तो लोग मोदी जी को चुनते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सीएम साहब का हार्दिक धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि बाड़मेर की इस पावन धरा पे उठी ये गूंज प्रत्येक कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का कार्य करेगी। एक बार आप दोनों हाथ को उठाकर मेरे साथ बोलिए, अब की बार, अब की बार, अब की बार। अब मैं बुलाना चाहूंगी जिनके सुनने के लिए हम सब बहुत उत्साहित है, दुनिया के सबसे बड़े नेता, लाखों करोड़ों युवाओं के आदर्श, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जिसकी गारंटी पर भी गारंटी है, दाल बाटी चूरमा पूरे देश के सूरमा, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राम राम साहब। शक्ति और भक्ति री परिचायक चैत्रीय नवरात्रा रे चौथे दिन माता कुष्मांडा रे स्वरूप ने मारो कोटि कोटि प्रणाम। बाढ़ाणे और जैसाणे रे वासियों ने मारी घणे मानसू। राम राम। मैं सबसे पहले तो बहन ममता जी को बधाई देता हूं, इतना शानदार संचालन कर रही है आप, मैं बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। आज नवरात्रि के पावन अवसर पर मुझे सिद्धों और सूरवीरों की धरती एक बार फिर आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। ये वो धरती है जिसके वीरों की कहानियां आज भी सीमा पार खौफ पैदा करती है। जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है, वहां आपके हौसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती। ये जन सैलाब, ये जन समर्थन बताता है बाड़मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आशीर्वाद देने का संकल्प ले चुकी है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट विकसित भारत की नींव मजबूत करेगा। ये चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है 4 जून, 4 जून 400 पार, 4 जून, 4 जून। और मालाणी की यही पुकार फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, बाड़मेर हमारी पार्टी के वरिष्ठ स्वर्गीय जसवंत सिंह जी का क्षेत्र है। यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है, मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबक सिखाओ, बाड़मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी। आप इस बार भी पहले से ज्यादा वोटों से बीजेपी को जिताएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने 5-6 दशक से ज्यादा देश पर हुकूमत की, लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस्या ऐसी नहीं जिसका संपूर्ण समाधान कांग्रेस ने दिया हो। राजस्थान के लोगों से बेहतर इस बात को कौन जानेगा। जिस राजस्थान के लोगों ने देश को
अपने लहू से सींचा उस राजस्थान को कांग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा। मेरी माताएं बहनें तपती गर्मी में रेतीले धोरों पर सिर पर घड़े रखकर कोस कोस चलकर पानी लेने जाती थी। हमारी बहनें यहां कहती थी, घी ढुले तो मारो कुछ न जासी, पानी ढुले मारो सब कुछ जासी। यानी पानी घी से भी ज्यादा मूल्यवान था। लेकिन 70 साल तक किसी ने इन माताओं बहनों की नहीं सुनी। जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मौका दिया, मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बीड़ा उठाया। जल जीवन मिशन से हमने राजस्थान के 50 लाख घरों तक पानी पहुंचाया है। लेकिन जितने दिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही, उसने जल जीवन मिशन में भी जमकर भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस ने राजस्थान तक पानी लाने के लिए ईआरसीपी परियोजना भी पूरी नहीं होने दी। वहीं हमारे भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने 100 दिन के भीतर ही ईआरसीपी परियोजना को पास करवाया है। हरियाणा से पानी का समझौता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्थान हो या चाहे गुजरात हो, हम लोग तो लाखा बंजारा को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं। हमारा संकल्प है कि हम राजस्थान के हर घर तक पानी पहुंचाए। साथियों, कांग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है। ये लोग देश के सीमावर्ती गांवों को देश के आखिरी गांव कहते हैं। ये लोग सीमावर्ती जिलों को, वहां गांवों को जानबूझकर विकास से वंचित रखते थे। और आप हैरान हो जाएंगे, क्यों रखते थे, क्या तर्क देते थे, ऑफिशियली बताते थे। वो कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी। ये शर्म की बात है कि नहीं भाई? क्या हम इतने बुद्धिल हैं कि हम बढ़िया रास्ते बनाए तो दुश्मन उस पर चढ़ जाएगा? क्या बात करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझे बताइए, किस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाड़मेर की सीमा में घुसकर कब्जा करने की सोचे? हाँ, हिम्मत किसी में? भाइयों बहनों, हम सीमावर्ती इलाकों को, सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव नहीं, देश का प्रथम गांव मानते हैं। हमारे लिए देश की सीमा यहां पूर्व नहीं होती है, हमारे यहां से देश शुरू होता है।
आज अगर देश में 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास मिले हैं तो मेरे बाड़मेर को भी 2.25 लाख गरीबों को पक्के आवास का लाभ मिला है। भाजपा सरकार देश की आखिरी सीमा तक सड़कें और हाईवेज बना रही है। हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है। आज सीमावर्ती बाड़मेर में 72,000 करोड़ रुपए लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है। और मेरे बाड़मेर के भाई बहन सुनिए, अगर यहां कांग्रेस की सरकार न होती तो मेरे दूसरे टर्म में ही मैं आकर उद्घाटन कर जाता, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे ऐसे रुकावटें डाली। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे तीसरे टर्म में मैं रिफाइनरी का उद्घाटन करने जरूर आऊंगा। और जिस दिन रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए आऊंगा उस दिन इस चुनाव विजय के लिए धन्यवाद भी करने आऊंगा। आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे। मेरे बाड़मेर के भाई बहन जो पुराने लोग हैं वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा या ये संभव है, ये होगा क्या। स्वाभाविक है कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिंदगी गुजारी है, यहां से पलायन होना बहुत स्वाभाविक था। मां बाप भी बच्चों को कहते थे भाई कहीं और चले जाओ, यहां रह के क्या करोगे, वो दिनते हैं। ऐसा ही हाल कच्छ का था, मैं गुजरात का अनुभव बताता हूं आपको। कच्छ का भी हाल ऐसा ही था, लेकिन 2001 के भूकंप के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया। आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जो जिले हैं उसमें आज कच्छ जिला पहुंच गया है। मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्छ की जमीन की कीमत हो गई है। अगर कच्छ बदल सकता है तो बाड़मेर बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। मैं ये करके आया हूं और इसलिए मैं गारंटी देता हूं ये भी मैं करके रहूंगा। यहां के एयरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जमकर रोड़े अटकाए थे। अगर कांग्रेस ने बेवजह ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एयरपोर्ट 2 साल पहले ही चालू हो जाता। साथियों, कांग्रेस ने जिन लोगों को दशकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूछता है। हमारे आदिवासी समाज के बच्चे आगे बढ़े इसके लिए हम एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोल रहे हैं। आदिवासी समाज को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। भाजपा ने आदिवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति दी है। हमारे गांव ढाणियों की महिलाएं मेघवाल समाज, लंगा, मंगणियार समाज के लोग पीढ़ियों से हस्तकला का काम करते आए हैं। भाजपा ने पहली बार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। अपनी मेहनत से
रेत में भी फसल उगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी ने नहीं सराहा। आज हम किसानों के सीधे उनके खातों में पीएम किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं। किसानों की आय बढ़े इसके लिए हम मोटे अनाजों को, श्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। यह हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था, सिर्फ हम गांव के लोग खाते थे। आपको जानकर के खुशी होगी, अभी मैं जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने राष्ट्रपति ने अपने घर में व्हाइट हाउस में बड़ा भोज रखा था, लेकिन मजा देखिए, उस भोज में जितनी चीजें खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में से बनाई थी, हमारे बाजरे, हमारा ज्वार उसमें से बनाई थी। दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाव में खेती करता है, मोटा अनाज पैदा करता है, मैंने दुनिया को समझाया है ये मामूली अनाज नहीं है, ये सुपर फूड है। सुपर फूड आपकी सेहत के लिए उत्तम फूड है, और मैं दुनिया में आपके किसानों के द्वारा बनाई ये बाजरा ज्वार दुनिया में बेच रहा हूं। दोस्तों, मूंग का समर्थन मूल्य भी आज जितना है उतना कभी नहीं था। मोदी आपके सुख दुख में आपके साथ है, क्योंकि आपके सपने, आपके सपने ही मेरे संकल्प है। साथियों, एससी एसटी ओबीसी भाइयों और बहनों के साथ दशकों तक भेदभाव करने वाली कांग्रेस आजकल एक पुरानी रिकॉर्ड बजा रही है। जब भी चुनाव आता है संविधान के नाम पर झूठ बोलना ये इंडिया अलायंस के सब साथियों की फैशन बन गई है। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जो वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। ये मोदी है जिसने देश में पहली बार संविधान दिवस मनाना शुरू किया। ये कांग्रेस वालों ने संविधान दिवस मनाने का विरोध किया था, पार्लियामेंट में भाषण है उनका। क्या बाबा साहब का यह अपमान है कि नहीं है? संविधान का अपमान है कि नहीं है? इतना ही नहीं, ये मोदी है जिसने बाबा साहब से जुड़े पंचतीर्थों का विकास किया, इसलिए बाबा साहब और संविधान का अपमान करने वाले कांग्रेस और इंडिया अलायंस के झूठों से, उनकी गप्पबाजी से सावधान रहने की जरूरत है। और कांग्रेस वाले सुन ले, ये 400 सीट की बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने 10 साल पार्लियामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है, और इसलिए देश आपको, कांग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन बना लिया है। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ
हमारे लिए हमारा संविधान है। साथियों, भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की, गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए, क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता, आपके ये साथी, ये आपकी इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है, वहीं इंडी गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। माता तनोट राय की धरती के लोग क्या इसे स्वीकार करेंगे? कमजोर देश आपको मंजूर है? शक्तिहीन देश आपको मंजूर है? क्या ऐसा सोचने वालों को सजा देंगे? इस चुनाव में सजा देंगे? कमल पर वोट दबा करके उनको सजा देंगे? और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गठबंधन से सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, जिस भारत मां के लिए हम अपने जीवन की परवाह नहीं करते, ये कांग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है। और इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान की वीर भूमि में आकर कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना, क्या वास्ता? यहां आकर के बोल के गए हैं। ये राजस्थान की राष्ट्रभक्ति पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते हैं? जिस राजस्थान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलियां खाई, उससे पूछते हो कि कश्मीर से क्या वास्ता? इस बाड़मेर के सपूत भीखाराम मुंड ने करगिल युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था। और कांग्रेस कहती है कि कश्मीर का राजस्थान से क्या वास्ता? जिस राजस्थान में, कश्मीर में जन्मे बाबोसा
रामदेव जी की घर घर पूजा होती हो, उससे पूछते हो कि कश्मीर से क्या रिश्ता, जब कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से खदेड़ा गया था तब कितने ही परिवारों को राजस्थान ने बसाया था, गले लगाया था, और ये पूछते हैं कि राजस्थान का कश्मीर से क्या वास्ता। अरे उनको पता नहीं होगा, करगिल के लोग ईरान गए थे और ईरान में कोविड की भयंकर महामारी में फंस गए थे, उनको वापस लाना था, कोविड के साथ लाना था, बड़ा संकट का काम था, उनको हिंदुस्तान ला करके कहां रखे। देश को जान करके गर्व होगा, ये मेरे राजस्थान की वीर भूमि है। जैसलमेर में ईरान से लाए गए कोविड के वो सारे लोग जो करगिल के रहने वाले थे, वहां वो माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, यहां 35-40 डिग्री टेम्परेचर में महीना भर रहे, जब ठीक हुए तब राजस्थान ने उनको घर वापस भेजा था। ये है मेरा राजस्थान। कांग्रेस भारत को भाषा, प्रांत, जात पात में तोड़ना चाहती है, इसलिए आपको इस चुनाव में कांग्रेस को फिर एक बार सबक सिखाना है। साथियों, कांग्रेस हर उस काम का विरोध करती है जो देश हित में होता है, कांग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश विरोधी होती है। आप देखिए, हम लोग देश में राजस्थान में शक्ति की उपासना करते हैं, माता की उपासना करते हैं, लेकिन कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। अरे मेरी माताओं बहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो, किसी मर्द को आगे नहीं पढ़ाने पड़ेगा, ये शक्ति को नष्ट करने वालों को ये मेरी माता बहने ही निपट लेगी। देश में राम मंदिर निर्माण का पुनीत पावन काम होता है, कांग्रेस उसका भी बहिष्कार करती है, और कांग्रेस करती क्या है, कांग्रेस राम नवमी की शोभा यात्रा पर राजस्थान में पत्थरबाजी करने वाले दंगाइयों को संरक्षण देती है। देश में घुसपैठिए आते हैं तो कांग्रेस उनका स्वागत करती है, लेकिन भारत विभाजन का विरोध करने वाले हमारे दलित और सिख भाई बहनों को नागरिकता देने वाले सीएए का ये विरोध करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कांग्रेस एक भी सीट राजस्थान से जीतने की हकदार है क्या? हकदार है क्या? एक भी सीट बचनी चाहिए क्या उनकी? इस बार तो उनकी सीटों की जमानत जानी चाहिए भाइयों, जाएगी? साफ कर दीजिए उनको, ये सुधरेंगे नहीं। साथियों, 26 अप्रैल को राजस्थान और देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और मैं रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए जब आऊंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने बाड़मेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाश चौधरी जी को दी है, इसलिए आपको मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूं, आपके आशीर्वाद लेने आया हूं।
मेरी माताएं बहनों के आशीर्वाद, मेरे नौजवानों के आशीर्वाद, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद, धानी धानी मेरे किसान भाई बहनों के आशीर्वाद, यही मेरी ऊर्जा है, यही मेरी ताकत है। चाहे जितनी गर्मी हो, 26 अप्रैल को सुबह सुबह ही कमल का फूल खिलना चाहिए, खिलेगा। और इसलिए मेरा अनुरोध है, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर, पहले मतदान फिर। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? सबके सब करोगे? माताएं बहनें भी करेगी? देखिए, पहले तो मैं राजस्थान में बहुत घूमा हूं, सब दूर जाता था, संगठन का काम करता था, इन सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। लेकिन अब आपने इतना काम दिया है कि मैं सब जगह पे जा नहीं सकता हूं, तो मेरा एक काम करोगे, घर घर जाकर बताइएगा कि अपने मोदी बाड़मेर आए थे और मोदी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? हर बुजुर्ग को मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? जब इन सबको मेरा प्रणाम पहुंचेगा ना, तो मन से मुझे आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद मुझे ऐसी ताकत देगा, ऐसी ताकत देगा कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी ऊर्जा लगा दूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।